तो ये चीज़ स्टार्ट होती है जब मैं अपनी फर्स्ट बैकफ्लिप लैंड करने की खुशी मना रहा होता हूँ और सोच रहा होता हूँ कि यार अब तो मैंने सब कुछ सीख ही लिया है। बट किसे पता था कि मेरा सामना एक ऐसी फ्लिप से होने वाला है जो कि, तो एरियल एक ऐसी फ्लिप है जिस पे तुम भरोसा कर सकते हो, क्योंकि कहते हैं ना पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पर ये तो शायद घड़ी का था, पर मेरे पास तो कोई घड़ी नहीं है, तभी शायद मेरा टाइम ख़राब चल रहा है। खैर, तो एरियल एक ऐसी फ्लिप है जिसको सीखने में मुझे सिर्फ एक वीक का टाइम लगा है। तो फ्लिपिंग वर्ल्ड में तुम्हें अगर कोई ऑसम लुकिंग फ्लिप को सीखना है तो उसमें एटलीस्ट एक महीना तो लगता ही लगता है। तो ये स्टार्ट हुआ जब मैं अपनी बैक फ्लिप और बैक एंड स्प्रिंग की प्रैक्टिस से बोर होने लग गया और अब मुझे कोई नई फ्लिप सीखनी थी। तो मैंने अपनी लिस्ट खोली और उसमें नाम था एरियल का, विच इज़ एज ऑसम एज घड़ी। तो मैंने पहले काफ़ी ट्यूटोरियल्स देखे इसे कि कैसे करना है और मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लग गया। फिर उसके बाद जब वो करते हैं तो एकदम मक्खन लगती है फ्लिप, बट जब हम करते हैं तो छोड़ो। फिर कई वीक्स प्रैक्टिस करने के बाद आई वॉज नॉट गेटिंग इट। तो अभी तुम सोच रहे होगे कि इसने तो थंबनेल में कहा था कि एक वीक में कर लिया और मैं अभी जस्ट कह रहा हूँ कि मुझे वीक्स लगे प्रैक्टिस करने में और फिर भी मैं नहीं कर पाया। रुको, सो दिस वॉज जस्ट ए फेज ऑफ लर्निंग एन एरियल। तो यार एक तो जो ट्यूटोरियल्स बताने वाले थे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी एकदम झकास थी और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी तो एकदम बेकार सी थी। तो ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से मुझे काफ़ी मुश्किलें आई और मुझे इंजरी का भी सामना करना पड़ा जब मैं अपनी एरियल सीख रहा था। और फिर मुझे एक मंथ की रेस्ट भी लेनी पड़ी, टोटली रेस्ट, मतलब कुछ फ्लिप कुछ भी नहीं करना था उस वक्त। तो आफ्टर दैट अपनी इंजरी से रिकवर होने का मुझे इतना तो पता चल गया कि दिस इज़ नॉट द राइट वे टू डू एन एरियल, कुछ और ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं वही चीज़ बार बार करता तो मुझे फिर से शायद इंजरी हो सकती थी। सो अब तक मैं जिमनास्ट वाला एरियल ट्राई करने की कोशिश कर रहा था, विच डिडंट वर्क फॉर मी वेल, और मुझे पता है कि काफ़ी सारे जनों के लिए भी नहीं काम किया होगा। तो मैंने एग्जैक्टली किया क्या? सो आई डिड ए ट्रिकर्स एरियल। अभी ट्रिकर्स एरियल क्या है? ट्रिकर्स एरियल तुम समझ सकते हो कि ईजी वेरिएशन है जिमनास्ट एरियल का, मतलब रिलेटिवली ईजी है, वैसे ईजी नहीं है। तो जिमनास्ट एरियल में जैसे तुम सामने की तरफ सीधा नीचे की तरफ जाते हो, ट्रिकर्स एरियल में तुम्हें साइडवाइज नीचे की तरफ जाना होता है, विच इज़ मच ईजियर दैन जिमनास्ट एरियल। तो अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब इसे सीखें कैसे। रुको यार, तुम रील्स थोड़ी देख रहे हो जो एकदम से सब कुछ आ जाएगा, धीरे धीरे चलेंगे हम। तो इसको सीखने के लिए तुम्हें पहले बटरफ्लाई किक आनी चाहिए। तो बटरफ्लाई किक वॉज़ ए पीस ऑफ केक फॉर मी, क्योंकि वो मैंने जस्ट ऐसे ही सीख ली थी, मतलब मैंने एक देखा यूट्यूब में और जस्ट मैंने लैंड कर दी वो फ्लिप, इतनी इजी है वो। तो इसके लिए थोड़ी बहुत तुमको स्ट्रेंथ होनी चाहिए पहले से भी। तो मैंने वो चीज़ लैंड कर ली। अब ये चीज़ होती है, मेन क्वेश्चन ये है कि अब हम बटरफ्लाई किक से एरियल पे कैसे आए। तो बटरफ्लाई किक जो कि हॉरिजॉन्टल होती है, अब तुम्हें इसको वर्टिकली डाउनवर्ड्स लेके जाना है। अब इसे कैसे करना है, मतलब धीरे धीरे तुम ये चीज़ ट्राई कर सकते हो। पहले तुम हॉरिजॉन्टल हो, फिर अपने सर को डायरेक्टली नीचे की तरफ लेके जाओ। बटरफ्लाई किक में हम ये चीज़ करते हैं कि हम हॉरिजॉन्टल आ जाते हैं नीचे जाके, बट एरियल में ऐसा नहीं करना। एरियल में तुम्हें ऊपर से डायरेक्टली नीचे की तरफ जाना है, मतलब पहले थोड़ा इंक्लाइंड वे में तुम करो, फिर उसके बाद तुम धीरे 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 करके एरियल तक पहुंच जाओगे और फिर फाइनली तुम्हारा एरियल हो जाएगा। तो दिस प्रोग्रेशन टुक मी जस्ट ओनली 1 वीक। जैसे सुनने में ईजी लगता है कि बस हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल जाना है, करने में भी उतना ही ईजी है, बट तुम्हें रोज़ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी होगी इसके लिए और 1 वीक में तुम ईजिली सीख जाओगे, एंड इट इज़ पॉसिबल। मैंने उतना भी टाइम नहीं दिया है इसको, थोड़ा बहुत देता था और मैंने ये चीज़ कर ली। और जब मैंने इसे लैंड किया ना तो मैं इतना ज़्यादा खुश हो गया था, आई लिटरली पोस्टेड इट ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि तब मैं इंस्टाग्राम पर बहुत पोस्ट करता था अपनी क्लिप्स। वो दिन भी क्या दिन था यार। तो अगर तुम्हें मेरी इंस्टाग्राम की पोस्ट देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना। तो ये मेरी बेस्ट टेक्निक थी एरियल सीखने के लिए। तो अब तुम इसे ग्राउंड में भी सीख सकते हो, ऐसा नहीं कि इसके लिए गद्दे चाहिए। अब मुझे लगता है कि जिमनास्ट एरियल को सीखने के लिए गद्दे तो चाहिए, क्योंकि उसमें जो लैंडिंग होती है वो इंजरी हो जाती है भाई उससे, इसलिए उसके लिए गद्दे चाहिए। बट ट्रिकर्स एरियल के लिए मुझे नहीं लगता कि गद्दे चाहिए, क्योंकि मैंने बिना गद्दों के सीख किया वो वाली फ्लिप। और फिर तुम ट्रिकिंग एरियल सीखने के बाद तुम चाहे जिमनास्ट एरियल करो, ट्रिकिंग एरियल करो, घड़ी एरियल करो, नॉन घड़ी एरियल करो, कुछ भी करो, सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी किया है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। तो मिलते हैं अगली स्टोरी और फ्लिपिंग जर्नी के साथ। टिल देन, बाय।